नमस्कार सुबह के सात बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूं श्रेयस द्विवेदी बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज 12 जून का दिन किस महीने में खास है आज के दिन वर्ष उन्नीस में अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी ने नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखातो वे सीजवे के अध्यक्ष रहे रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबेन द्वीप के कारागार में बिताए जहां उन्हें कोयला खनिज का काम करना पड़ा था 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्णय निर, निर्माण किया उन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत माना तथा उनसे अहिंसा का पाठ सीखा था उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक राष्ट्रीय मुक्तिदाता के रूप में देखा जाता था उन्हें नोबल शांति पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार समेत नई कई पुरस्कार प्राप्त हुए आज के दिन की शुरुआत नेल्सन मंडेला के विचार से ही करते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं